साइबर सिटी गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में आपसी रंजिश के कारण एक पिता ने अपने सर्विस पिस्तौल से अपने पुत्र को गोली मार दी। वारदात उस समय हुई जब पटेल नगर निवासी मोरध्वज शराब के नशे में घर में दाखिल हुआ और अपने पिता यानी कि पूर्व फौजी जगदीश से लड़ाई करने लगा। बाप बेटे की लड़ाई में मां बीच बचाव करने आई, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पिता जगदीश ने अपना सर्विस पिस्तौल निकालकर बेटे मोरध्वज को धमकाना शुरू कर दिया। पिता के हाथ में पिस्तौल देख पुत्र ने छीना झपटी की, इसी दौरान गोली चल गई। इस घटना में मोरध्वज को 4 गोली लगी, जिससे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पूर्व फौजी जगदीश के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये जो अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात आई है कि ये बेटा इनका शराब पीने का आदी था, तो शाम के टाइम शराब पी के आया था। जो उसने पिता ने उसको इस बात के ऊपर टोका, तो जिस कारण उस पिता और पुत्र में बहसबाजी हुई, शायद हाथापाई भी हुई, बीच में मदर आई तो उनके साथ भी हाथापाई हुई और सिस्टर के साथ भी। बाद में वो बेटा जो पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो निकाल लाया था, उसमें वो घर वालों ने उनसे उससे पिता ने छीन ली थी। वो छीनने के दौरान उसके बाद पिता द्वारा उसको गोली मारना अभी तक बयान हुआ है। सर, बेटे की थी रिवॉल्वर लाइसेंसी या पिता की? पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर अभी तक यही पता चला। अभी इसको मेरे ख्याल 3 या 4 गोली हैं, ये हॉस्पिटल में है, एडमिट है और अभी तक तो डॉक्टरों के हिसाब से स्टेबल है। अच्छा, पिता अरेस्ट हो पाए हैं? नहीं, अभी नहीं हुए। कौन-कौन सी धाराओं के तहत? ये 307 है, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज है।